टॉपिक विद गौरव खन्ना। ये जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एक कप फ्रेश नहा धोकर कब से तैयार बैठी हूँ, पर गौरव अभी तक उठे नहीं है। लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उसने एकदम स्पॉन्टेनियसली लास्ट मोमेंट पे ये ट्रिप ज्वाइन करने का डिसाइड किया है। तो मैं आपको बता दूं, हम रोड ट्रिप जा रहे हैं। मैंने एक्चुअली ये ट्रिप प्लान किया था मेरे मम्मी पापा के साथ। मैं जा रही हूँ भीमाशंकर, एंड लास्ट डे श्रावण का है, उसमें एक ज्योतिर्लिंगा का दर्शन तो बनता है बॉस। बम बम भोले के पास जाना चाहते हैं हम, एंड लकीली पता नहीं कैसे भगवान की दया से गौरव को भी लास्ट मोमेंट छुट्टी मिल गई, एंड दैट्स इट। सो आप भी लकी हैं, क्योंकि आज आप देख पाएंगे हम सबको रोड ट्रिप करते हुए गौरव खन्ना के साथ। गौरव खन्ना अभी तैयार हो गए हैं पूरे 4 घंटे बाद। सबसे ज्यादा सजने में टाइम यही लेते हैं, ये सबसे ज्यादा। ग्लो कम करने में टाइम लगता है अपना। ग्लो कम करते हैं हम, ग्लो बढ़ाते हैं अपना, ग्लो कम करते हैं। करना पड़ता है। शादी के वक्त मैंने कहा था कि मियां बीवी एकदम बराबर रहेंगे, तो इसलिए मुझे अपना ग्लो कम करना पड़ता है। कॉटन कैमरा, वेयर आर यू गोइंग? आर यू वॉकिंग द डॉग? द डॉग इज वॉकिंग यू? बोथ। माय गुडनेस, वी बोथ आर वॉकिंग यू। या राइट। एंड इसी तरह से हम श्री गणेश कर रहे हैं हमारे रोड ट्रिप की, जहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा मेरी मम्मी पापा का घर, क्योंकि क्लासिक स्पार्की वो नहीं आ सकता हमारे साथ। डेस्टिनेशन अभी भी राज है। वैसे क्या फायदा, मैं बोल दूँ हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी गाड़ी से हम जा रहे हैं भीमाशंकर, बम बम भोले जी के पास, क्योंकि श्रावण का महीना है और मैं वो गाना गाना चाहती हूँ, सावन का महीना। होल्ड, एंड यू कैन सी मेरे ब्यूटीफुल डॉगी को, मेरा ब्यूटीफुल बेबी और मेरा प्रिटी प्रिटी पति। व्हाट यू लुकिंग सो प्रिटी? गिव मी योर बैग, बट आई वांट यू टू लुक प्रिटियर इन योर व्लॉग। नो, गिव मी योर बैग। ओके, कैसे कर रहा हूँ व्लॉगिंग? गौरव, हाय हाय। आगे नहीं बैठा है ना बबुली? यस माय बेबी, यू लुकिंग सो हैंडसम। मला जे सांग ते मला माहित नाही, मला ते सांग जे मला माहित नाही। समझ में आई ना? हे भगवान। तदिक किक टक कतदुम तदुम, 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 तदिक किक टक कतदुम तदुम 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 तदुम। At her majesty's service, एक छुट्टी मिली थी उसमें भी ड्राइवर। So Sparky and me, we are back to our Mica. ये मेरी मम्मी का बिल्डिंग है, मेरे शादी से पहले इसी बिल्डिंग में मुझे Sparky मिला था, and Sparky doing पॉची पॉची पॉची। Sparky, जल्दी आ। So, अभी इस पाकी को हम सी ऑफ करेंगे, एंड पाकी घूम गया है। ओह नो, देयर ही इज। कार चेंज कर ली है, एंड से हाय टू मॉमी। हाय। एंड पापा अभी पता नहीं कहाँ गए हैं, एंड गौरव ब्रांड एम्बेसडर। ओह ब्यूटी ब्यूटी प्रोफाइल। यू वांट टू यूज द माइक इन योर व्लॉग?
क्या आप लोग इसकी आवाज माइक पे सुनना चाहते हैं? चाहते हैं। खर्चा करा के यूज नहीं कर रही मेरी बीवी, प्लीज इसको बोलिए माइक लगाए, ब्लॉग में मेरी तो नहीं सुन रही। बीवी का काम है पति की बात कभी नहीं सुनना, ये मेरे को मेरी माता जी ने सिखाया। ये माँ के ऊपर मत डालो, बिकॉज गुड साउंड मीन्स गुड व्लॉग्स, राइट? आप प्लीज ये आकांक्षा को बताइए। बेबी यू आर लुकिंग सो हैंडसम यार, मला जे सांगते मला माहित नाही, मला ते सांग जे मला माहित नाही, एक बार तो सही से बोल दे यार। मतलब समझ आया ना? बस खत्म। पापा, पापा आ गए हैं। पापा दी ग्रेट हाई बोलो मेरे व्लॉग को। हे अरे मम्मी ऐसा बोल मत, कोई लूटेगा मम्मी को ही, मम्मी को ही लूटेगा। ये क्या, ये फिक ये पॉटी में फेविकॉल करता है चिप। अरे नहीं, वो गर्मी से चिपक गए। ये मेरे पापा की गाड़ी का पैंडा है और ये लिटरली चिपक गया। पापा ये क्या है? पापा पूरा चिपका दिया उसको गर्मी में खड़ा बेचारा पैंडा। आकांक्षा, तुम्हारी माँ का साकी ना का सिग्नल पे घर है क्या? तो ये जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल आप देख रहे हैं, मैं पूरा दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही खाली सा एक सिग्नल है मुंबई का। मतलब यहाँ कभी भीड़ नहीं मिलती आपको, मतलब आपको आप तरस जाएंगे यहाँ गाड़ियाँ देखने के लिए। तभी उस कॉमेडी शो में लाइन बोली जाती है कि तुम्हारी माँ का साकी नाका। तो और ये आकांक्षा का जो पीछे मम्मी है हमारी, ये शीला है और शीला की, ये शीला की जवानी है। वो शीला जी वन लाइनर मेरे खानदान से, सारे वन लाइनर इनके खानदान में लगते हैं। वो शीला जी और ये शीला की जवानी देखिए, ठीक है? और आप अपने ससुराल में आ गए, वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। मम्मी माइके आके कैसा लग रहा है? ओ मम्मी वे दामाद जी माइके में आ गई। गौरव आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके? टेक्निकली ये भी आपका ससुराल ही हुआ, तो कैसा लग रहा है? देखो मैं घिरा हुआ हूँ। तो जब तारा सिंह पाकिस्तान जाता है तो कहता है गौरव क्या खाएंगे? मैं रवा डोसा। रवा डोसा। पापा आप क्या खाने वाले? मैं गौरव को कंपनी दूंगा, जो जो गौरव। आओ मम्मी। पाव भाजी। ये और मैं भी कुछ ऑर्डर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सब में से खाऊंगी। मेरा एज होने के बाद सब टूटता है, गिरता है, हिलता है, मेरे को बहुत परेशानी होती है एक एज होने के बाद। तो आप, आपका क्या एज है? मेरा एज है अभी 75। आप 75 हो? हाँ। मम्मी आप? मम्मी नहीं, मैं 65 नहीं हुई। मम्मी 60 नहीं हुई और पापा 70। बढ़ाने की आदत है और मुझे एक घटाने की आदत। मैंने इसलिए दूसरा चेक, मेरा मन था साउथ इंडियन खाने का। और असली ये है क्योंकि तुम्हारी सोच जहाँ खत्म होती है वहाँ से मेरी शुरू होती है। और जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, यू शुड बी ऑन अ लाइटर स्टमक, बिकॉज व्हेन यू आर ड्राइविंग एंड यू इन द कार अदरवाइज यू फील वेरी हैवी एंड नॉजिएटेड, स्पेशली मी बिकॉज आई फील कि मुझे इमोशनल सिकनेस होती है। आप ड्राइव में करने वाली हो बताना। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? जय श्री राम से शुरू करना चाहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू इतने अच्छे खाने के लिए। अब मैं इससे शुरू करूँगा। दिस इज रवा डोसा। यस।
सब मेन्यू में सब गौरव ने ऑर्डर किया है। रवा डोसा, ये पेपर डोसा था बट पता नहीं ये क्या बन गया है क्योंकि ये गौरव ने एक्सप्लेन किया था। चलिए चलो स्टार्ट करते हैं, भूख लग गया। खाना खाने के बाद तो अब खाना पीना पीना नहीं खाना पीना पानी नहीं पिया पानी नहीं पिया आपने। तो हमने खाना खा लिया है और अब हम वापस से अपने रोड ट्रिप की तरफ आगे बढ़ते हुए अभी हम अपने रोड ट्रिप में आगे बढ़ते हुए। यस गौरव, वेयर आर यू गौरव माय प्रिटी बॉय? जी मैम साहब। प्रिटी प्रिटी जी, कैन यू कम इन द फ्रेम? जी मैम साहब। कहीं तो लेके जा रही है आकांक्षा। दिस लाइट ऑफ द टनल फाइनली। की ट्रिप मिस कर दी थी एंड क्योंकि जैसे मैंने कहा ये फोमो किंग है और इसे मेरे सारे ट्रिप्स गेट क्रैश करना पसंद है। तो बस हम ऑन रूट लोनावला का भी मजा ले रहे हैं। पैदल नहीं जा रहे, वो बीवी ने गाड़ी से उतरवा दिया है क्योंकि उसको शॉर्ट चाहिए था। मैं वादियां देखना चाहती हूं और सारी गाड़ियां जो क्रॉस करके इधर जा रही हैं उनको लगा दो पागल खड़े हैं यहाँ पे। क्या होता है वाह वादियां, ये हंसी वादियां। अब समझ में आया, तुम गा के ही बोला करो तभी समझ में आता है। तुम नॉर्मल मत बोला करो, तुम जैसे बोलती हो ना गा के नमस्ते नमस्ते। मैं गा के नहीं बोलती हूँ, वो मेरा हाल होता है वैसा सुर। नमस्ते। मैं बहुत सुरीली हूँ। सुरीली वहाँ नाव आज से सुरीली। इधर आ रहा है कि इधर आ रहा है डिसाइड कर ले। तो लेफ्ट में अगर आपको नहीं इससे नहीं दिखेगा ठीक है, आप हम लोग को देख लो अभी फिलहाल के लिए। मैं बाहर देख लेता हूँ। मेरी सास ने प्रेगनेंसी के टाइम कुछ कड़क चाय पी ली थी तो ऐसा और उसमें थोड़ा अफीम मिला दिया था चाय वाले, उसमें पता नहीं क्या, लेकिन गढ़वाल की कोई जड़ी बूटी मिलाई थी। मैं एक ही बात बोलूंगी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है और इसलिए आपको अच्छे मिले हो बस। हाँ गौरव, आई थॉट योर टेस्ट इज गुड। माय टेस्ट? या मेरा टेस्ट तो बहुत अच्छा है, मुझे पता है। हाँ तो मम्मी ने जो चाय पी है मुझे वो चाय वाला तो वही आपका टेस्ट है ना। मम्मी की जो चाय पी के जो चाय बनी है वही टेस्ट है ना आपका। लेकिन वो ज्यादा चाय से एसिडिटी भी होती है। ढूंढ ढूंढ के उनको गढ़वाल का टेस्ट ही गढ़वाल का ही टेस्ट पसंद आया। बात तो मैं मानता हूँ, जब अभी तक ब्लॉगिंग नहीं कर रही है तब हमको कितना प्यार कर रही है, जब ये एक फेमस ब्लॉगर बन जाएगी सोचिए कितना ज्यादा प्यार करेगी, है ना मम्मी? सच्ची बोलो, क्या बोल रहे थे? सच्ची बोलो। अभी हम लोग गाड़ी में, अभी हम लोग को पीछे बिठाया हुआ है, जब ये और बड़ी ब्लॉगर बन जाएगी तो फिर हमको गाड़ी के बाहर कुर्सियां लगवाएगी। ये सुंदर को देखो, सुंदर सुंदर, कितना सुंदर है ये।
तो बारिश आ रही है और सब मुझे डांट रहे हैं, लेकिन लोकेशन देखिए बस। फाइनली आकांक्षा का भीमा शंकर ट्रिप जो है हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ रात में। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी है। हमने सोचा नहीं था इतना ठंडा होगा। हम बहुत ही इल प्रिपेयर्ड आए हैं और मैं लिटरली शिवर हो रही हूँ। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो, क्योंकि हमारी कल सुबह 5 बजे मंदिर में दर्शन है, तो नाइट स्टे करने के लिए हमने एक बहुत ही डिफरेंट इस बार एक्सपीरियंस किया है। वी आर गोइंग टू स्टे इन एन एक्चुअल पर्सन्स हाउस जो यहाँ के लोकल हैं, और हम गांव के घर में रहने वाले हैं जो इतना क्यूट है और इतना प्यारा है, लाइक प्रॉपर विलेज फील्स। बिकॉज़ यू नो व्हाई आई ऑलवेज फील कि जब आप किसी जगह पे जाएं जो ऐसी हो, तो वहाँ के लोकल जो हैं उनको भी यू नो एक लाइवलीहुड का तरीका मिलना चाहिए। सो आई थॉट कि रिसॉर्ट वगैरह में तो बहुत रहते हैं, व्हाई नॉट स्टे इन अ प्लेस। एंड वन मोर थिंग, मैंने गौरव को बोला था, गौरव सरप्राइज एंड इंडल्ज मी, गौरव वाज लाइक या व्हाई नॉट। सो अभी हम जा रहे हैं खाना ढूंढने। मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे इसने कहा कि मुझे बड़े होटल में रुकाएगा, बट नहीं, गौरव बोला बेबी एक्सपीरियंस चाहिए, आई विल इंडल्ज यू। एब्सोल्युटली। एंड बट ट्रस्ट मी प्लीज, आप अगर कोई भी ऐसे मंदिर दर्शन के लिए जाओ और अगर आप किसी मौका मिले कोई गांव में किसी के घर में रहने का, तो डोंट मिस आउट ऑन दैट, बिकॉज इट इज सो गुड। दे आर सो वार्म, दे आर सो वेलकमिंग, दे आर सो लविंग, डू नॉट मिस आउट ऑन दैट। ऑन दैट नोट, अब हम जा रहे हैं अपना डिनर ढूंढने। तो मन क्या करने का? अरे मन कर, ऐसे क्रेविंग होता ना, वैसे क्रेविंग है, लेकिन मेरा भूख नहीं है, ऐसा इच्छा है खाने की, लेकिन पेट में भूख नहीं है। तो क्रेविंग हो रही है ना, तो खा लेना। नहीं खाने का है बाबा, एक बार खा ले। नहीं खाने का है। अच्छा, अभी आप आर्गुमेंट मत करो, गाड़ी चला। सो फाइनली अब हमें रात के 9 बजे यहाँ लोकल फूड मिला है, बड़ा अच्छा ढाबे का, एंड इंडियन फूड। तो ये आकांक्षा देवी को बहुत भूख लग रही थी, क्या कहना चाहती हैं आप आकांक्षा जी? यम्मी यम्मी यम्मी। इनको लोकल फूड खाना था, तो हियर इट इज, गांव से गर्मा गर्म विद लव। ये खाना भी नहीं खाने दीजिए अपने कॉन्टिनेंट के लिए, क्या मतलब अब ऐसे दिन आएंगे कि बाबा की बड़ी तैयारी। फाइनली डिनर हो गया है एंड वी आर गोइंग। ये हम बहुत ही छोटे से रास्ते से अंदर जा रहे हैं हमारे रूम की तरफ, पता नहीं आपको क्या दिख रहा है। ये सुबह का पानी गर्म हो रहा है अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock के लिए। हमारे रूम ऊपर है। I hope आपको ये ब्लॉग देखकर बहुत मजा आया, क्योंकि हमने तो बहुत मस्ती की है इसे शूट करते वक्त। अब लेकिन आपका सफर हमारे साथ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बस शुरुआत है। पार्ट 1 समाप्त हो चुका है, लेकिन पार्ट 2 आने वाला है, तो चलो।